नकीबुल्ला कत्ल केस में एसएसपी मलिक राव अनवार को साथियों समेत गिरफ्तार करने का फैसला। जिला मलिक के तमाम एसएचओज भी तब्दील होंगे। डीआईजी ईस्ट के दफ्तर में होने वाले इजलास में बड़े फैसले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नकीबुल्ला के मामले पर जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं नकीब दहशतगर्द था तो अदालत में पेश किया जाता। बताया जाए नकीब का जुर्म क्या था। राव अनवार को मौतल करना कोई सजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जैनब कत्ल केस में बंद कमरा समाप्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का पुलिस और तफ्तीशी इदारों की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। तहकीकात के लिए मजीद 72 घंटों की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस बोले इतना कुछ हो गया पुलिस क्या करती रही। बताया जाए किस थाने में एसएचओ 3 साल से तैनात है। हमजा शहबाज किसी हमजा शहबाज को नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट ने एमएनए के घर के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी बोले हमजा शहबाज वजीर-ए-आला के बेटे हैं, उनकी जान को खतरा है। चीफ जस्टिस बोले अभी बुलाकर पूछ लेते हैं उनकी जान को क्या खतरा है। लॉ कॉलेजेस में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में कहने हैं कि एक तस्वीर देखी जिसमें रातों रात बीए पास करने की ऑफर थी। ऐसा तालीमी मयार नहीं चलेगा। जजेस की ज्यादा तवज्जो सियासी मामलात पर है। मुल्क में इंसाफ मुतासर हो रहा है। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। कहते हैं कानून के मुताबिक साल में 4 बार जस्टिस लॉ कमीशन का इजलास होता है लेकिन 2 साल से कोई इजलास नहीं हुआ। अमीर हानी मुस्लिम के आते ही वाटर कमीशन का एक्शन। रिटायर्ड जस्टिस पेरी वाटर फिल्टर प्लांट लेबोरेटरी पहुंच गए। 15 दिन बाद पानी के टेस्ट पर इजहार हैरत। रोजाना क्यों नहीं किया जाता। वाटर बोर्ड हुकाम से इस्तफसार। सरबराह वाटर कमीशन ने प्लांट की तौसी फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। मुल्क दुश्मनों के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। डीजी खान में रेंजर्स का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नम वासल। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम जमात से था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और अगवा की वारदातों में मुलव्वस रहे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिका वजीर खारजा हिना रबानी खर और रुकन कौमी असम्बली गुलाम रबानी खर की लाहौर बिलावल हाउस में मुलाकात। आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का अज़्म। ट्वेंटी फोर न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।